अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जर्मनी फैमिली टीवी। उम्मीद है आप सब लोग हैरो ऑफियत से होंगे, जहां भी रहें। आज हम हाजिर हुए हैं कुछ नए सवालों के साथ। हमारा पहला सवाल जो व्यूअर से है वो ये है, एशिया कप में कौन से खेल शामिल हैं? एशिया कप में कौन कौन से खेल शामिल हैं? इसका जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही चलते हैं जी अब हम अपने पहले सवाल की तरफ। लेट्स स्टार्ट इमार। यस। वर्ल्ड कप में कौन कौन से खेल शामिल हैं? फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। वर्ल्ड कप में फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी शामिल हैं। इसके साथ ही चलते हैं जी अब हम अपने दूसरे सवाल की तरफ। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का निकनेम क्या है? शहीद। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का नाम शाहीन है और ये ग्रीन शर्ट्स पहनते हैं। इसके साथ ही चलते हैं जी अब हम अपने तीसरे सवाल की तरफ। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को क्या कहा जाता है, मतलब उसका निकनेम क्या है? बिल्कुल दुरुस्त जवाब। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को ब्लैक कैप्स कहा जाता है। इसके साथ ही चलते हैं जी अब हम अपने चौथे सवाल की तरफ। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम का निकनेम क्या है? टाइगर। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को द टाइगर कहा जाता है। इसके साथ ही चलते हैं जी अब हम अपने पांचवें सवाल की तरफ। श्रीलंका की क्रिकेट टीम का निकनेम क्या है? लायन। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। श्रीलंका की क्रिकेट टीम को द लायन भी कहा जाता है। इसके साथ ही चलते हैं जी अब हम अपने छठे सवाल की तरफ। कौन सी क्रिकेट टीम ने ज्यादा बार वर्ल्ड कप जीता है? ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम ने ज्यादा बार वर्ल्ड कप जीता है। क्या आप बता सकते हैं कि कितनी बार? पांच बार। बिल्कुल दुरुस्त। पांच बार ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता है। 1987 में, 1999 में, 2003 में, 2007 में और 2015 में ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम की है। इसके साथ ही चलते हैं जी अब हम अपने सातवें सवाल की तरफ। 2019 में कौन सी क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीती थी? बिल्कुल दुरुस्त जवाब। इंग्लैंड ने। इसके साथ ही चलते हैं जी अब हम अपने आठवें सवाल की तरफ। इंडिया ने कितनी बार वर्ल्ड कप जीता है? दो बार। बिल्कुल दुरुस्त। इंडिया ने दो बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम की है। ये 1983 और 2011 में वर्ल्ड कप जीता गया था। इसके साथ ही चलते हैं जी अब हम अपने नौवें सवाल की तरफ। पाकिस्तान ने कितनी बार वर्ल्ड कप जीता है? एक बार। बिल्कुल सही। पाकिस्तान ने एक बार वर्ल्ड कप जीता है और वो 1992 में था। 1992 में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम की। और जो सवाल हमारा व्यूअर से था,
एशिया कप में कौन कौन से खेल शामिल हैं? उसका जवाब उम्मीद है व्यूवर्स ने कमेंट में हमें बताया होगा। इमाद को आता है? नहीं। तो इमाद बता दे जरा। फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट। नहीं, मैंने वर्ल्ड कप का नहीं पूछा, मैंने एशियन कप का पूछा है। एशियन कप जो सिर्फ एशिया में खेला जाता है। वर्ल्ड कप तो पूरी दुनिया में खेला जाता है ना, जो एशिया कप है वो सिर्फ बरियाजम एशिया में खेला जाता है। तो उसमें कौन कौन से खेल शामिल हैं? बैडमिंटन और क्रिकेट। बिल्कुल सही, बैडमिंटन और क्रिकेट। इसके साथ ही होता है जी हमारे सवालों का इख्तिताम और इमाद का होता है सरप्राइज टाइम। कूल। ये मेरे जमोई कार्ड और एक चिप है और ये एक हेफ्ट है। ये एक्स है, ये वैसे बहुत ताकत वाले हैं। और ये फाउमैक्स है, ये गोल्ड एक्स है, ये टैग टीम है। टैग टीम के ऊपर हमारे दो कार्ड होते हैं, ये फाउ है और फाउमैक्स के पास हर बार 300 से ज्यादा जिंदा रहने के चांस है। ये खापे है, मतलब जर्मन की। ये एक्स है और ये होलोस है। होलो सबसे वेट फॉल स्टिक कार्टर होते हैं। इधर ऊपर ग्लिटर होता है, ऐसे होता है ग्लिटर और इधर नई। ये पिकाचूस है, ये भी होलो है। ये एनर्जी है, ताकत देती है। और ये पोकेमोन कार्ड है, ये वरना नॉर्मल कार्ड है। ताकत या फिर नई ताकत वाली, ये ग्लिटर है। ये इमाद ने कार्ड इकट्ठे किए हुए हैं इतने ज्यादा, इसको बहुत ही ज्यादा पसंद है। पोकेमोन कार्ड है, पोकेमोन कार्ड है जी। थाउशन रश पास करता है और इसमें बहुत प्यारे भी कार्ड। ये देखिए कितना क्यूट है और बहुत खतरनाक भी। उम्मीद है जी आपको इमाद का सरप्राइज पसंद आया होगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।